हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मैं बिंदा सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अमेजन का किट मेरे पास आया है तो उसका मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से उसमें आपको पेमेंट वगैरह करना है और वो किट में क्या आया है मैं आपको बता देता हूँ और आप भी उसको किस तरीके से मंगा सकते हैं। निःशुल्क उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जो भी मेरे मित्र मेरे भाई अमेजोन का यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह यूज करते हैं, वो QR कोड मंगा सकते हैं। प्लास्टिक का आएगा, वो आप अपनी शॉप पे, अपने घर पे, अपने ऑफिस में, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते हैं, वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अमेजोन पे का मेरे पास एक किट आया हुआ है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसको। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। मेरे पास एक QR कोड उन्होंने सेंड किया था कुछ दिन पहले, मुझे कॉल आया था और इसके लिए कि आपका ये मुझे एड्रेस वगैरह बताया, उन्होंने मेरे पार्सल किया हुआ। तो हम खोल के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा खोल लेता हूँ। ठीक है, इसमें कैसे तरीके से ये अमेजन पे की किट है जो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो इसका यहाँ से ये स्क्रैच करने का जो ये दिख रहा है प्रोसेस, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। आप कैंची से भी काट सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए मैं एक बार थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कटिंग करने पहले से। इसमें जितने भी दिए हैं देखिए, आप देख सकते हैं फीचर वगैरह हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके इस साइड में जो डिलीवरी एड्रेस वगैरह होता है जहाँ से ये भेजते हैं, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक वगैरह से आते हैं, और बहुत बढ़िया चीज़ इनका ब्रांच है, कहीं से भी ये सेंड कर सकते हैं आपको QR कोड। अगर आपको बनवाना हो तो आप हमें एक बार बता देना। ठीक है, तो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था और मैं अब दिखाता हूँ आपको। और ये कुछ इस तरीके से इसमें से निकलेगा इसका पैन कार्ड जो। ठीक है, आप एक बार इसको देख सकते हैं, निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आया इस तरीके से। ये QR कोड है जो आपको अमेजोन पे जो फ्री में प्रोवाइड करवाता है, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। तो ये ऑल इन वन है, आप अपनी शॉप पे लगा सकते हैं, मेडिकल पे लगा सकते हैं, स्टोर पे लगा सकते हैं, अगर आपकी कोई वैसे शॉप है पर्सनली, कुछ भी शॉप है, एवरीथिंग उस पर आप लगा सकते हैं, आपको उसी नाम से मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप इसमें जो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपका डायरेक्ट जो बैंक में चला जाएगा वो जाएगा। इसमें कैसे, अगर इसमें देखिए भीम UPI बहुत सारे ऑप्शन है, अमेजोन पे, गूगल पे, फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या पेटीएम, सभी से आप इसमें रिसीव कर सकते हैं पेमेंट और आपका जो बैंक अकाउंट जिससे लिंक होगा उसी में पैसा चला जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आप इसमें एक बार देख लें, देखिए ओपन अमेजोन पे, इसमें पहला, तीसरा और तीसरे में तो ये कॉन्टैक्ट वगैरह इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपको पहले स्कैन करना होगा, उसके बाद अपना ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्ड करेंगे किसी का भी QR कोड तो उसका जो ऑटोमेटिक बायोडाटा आ जाता है। तो ये एक अमेजोन का जो किट है वो मिल जाएगा। इसको एक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें जो इसका एक बॉक्स होता है, एक स्टैंड टाइप का होता है, वो आपको कहीं से मिल जाता है, दुकानों पर ऑलरेडी होते हैं, उन्हें आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं सीधा करके। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं और अपनी शॉप वगैरह भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे काउंटर वगैरह होता है उनके कांच के नीचे, शीशे के नीचे आप उसको रख सकते हैं ऐसे, और ये ऊपर से दिखता रहता पूरा। ठीक है, जैसे जिनमें फिटिंग वगैरह होती है वो वाले कहाँ से रख सकते हैं उनके नीचे, तो वहाँ से भी आप स्कैन करके आराम से उसको पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें बात ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं हुआ है, ये तो इसके चार्ट हैं कि इसमें आप देख सकते हो किस किस पेमेंट वगैरह करना होता है, कि नॉर्मल पेपर है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है देखिए एक्सेप्ट है, और एक और इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वही है। ठीक है, सेम कंडीशन दिखा रहा है कि इस तरीके से इसमें पेमेंट करना है, एक्सेप्ट होगा इसमें रिसीव होगा। तो इसमें ज़्यादातर तो इतना खास कुछ नहीं है कि आपको बताना समझाना पड़े, बाकी ये कि आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर किसी को बनवाना हो तो मुझसे संपर्क कर लें, मैं बनवा दूंगा। और जिनके बनने में बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। अगर और कुछ भी आपको चाहिए, फ़ोनपे का चाहिए आपको QR कोड तो उसकी बता दें, गूगल पे का चाहिए उसका बता दें, आपको जिसका भी QR कोड चाहिए तो मैं आपको दिला सकता हूँ, आप ले सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी कुछ चार्ज नहीं लगता, कोई फीस नहीं है, ये फ्री मिल जाता है आपको, प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपनी सभी को प्रोवाइड करवाती है। एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, ये वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिनकी शॉप वगैरह उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि आजकल सभी के पास ऑनलाइन का ज़माना है तो सभी पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, फ़ोनपे से, पेटीएम से, गूगल पे से और UPI से, जिससे भी कोई करना चाहे उससे आप
को पेमेंट कर देगा और आपके डायरेक्ट बैंक में आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में आप लिंक कर सकते हैं अमेजन से, जो चलाना जानते हैं वो तो ठीक है, अगर जिनको नहीं आता मैं उनके लिए एक वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा अमेजन को यूज़ कैसे किया जाता है, उसके साथ बैंक कैसे लिंक किया जाता है, मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई बहुत सारी यूट्यूब पर, आप उनको एक बार देख सकते हैं और मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा, उसको भी देख लें। आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।